हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से चार ऑप्शन में से क्या हुआ है कि एक सही सुमेलित है, बाकी के सही मैच नहीं है। तो जो सही मैच है वही आपको फाइंड आउट करना है। पहला है अनुरक्ति विरक्ति के साथ सही सुमेलित है या नहीं है, असमय कुसमय के साथ सही मैच है या नहीं है, अवसर सुअवसर के साथ है या नहीं है, या दीर्घायु चिरायु के साथ है या नहीं है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कि जो अनुरक्ति है वो विरक्ति के साथ ही सही मैच है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन एक शब्द अलंकार नहीं है, यानी अलंकार टू टाइप के होते हैं, एक शब्द अलंकार होते हैं, एक अर्थ अलंकार होते हैं। तो इनमें से चार में से तीन आपके क्या है, अर्थ अलंकार है, सॉरी शब्द अलंकार है और एक अर्थ अलंकार है। तो उसी को आप फाइंड करना है कि कौन शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन आपके पास अनुप्रास, श्लेष, यमक या उपमा। तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, कि जो डी है उपमा अलंकार क्या है, एक अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार नहीं है, बाकी के सब क्या है, शब्द अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन अर्थ अलंकार नहीं है, यानी चारों में से एक शब्द अलंकार है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है, बाकी के तीन अर्थ अलंकार है। ऑप्शन आपके पास उपमा, प्रेच्छा, वक्रोक्ति या रूपक। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो वक्रोक्ति है वो क्या है, एक शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार नहीं है, जबकि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक क्या है, ये सब अर्थ अलंकार है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक भिन्न है, यानी डिफरेंट कौन है चारों में से, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति या दृष्टांत। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो आपका डी ऑप्शन में एकदम सही हो जाएगा, जो दृष्टांत है ये क्या है, ये इसमें से अलग है, यानी यमक, वक्रोक्ति और श्लेष ये आपके अर्थालंकार हैं, सॉरी अर्थालंकार नहीं है, शब्द अलंकार है। यमक, वक्रोक्ति और श्लेष क्या है, शब्द अलंकार है, जबकि दृष्टांत आपका अर्थालंकार है। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये चारों में से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है, कवित, बरवे, सवैया या मालवी। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो बरवे होता है वो मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन वार्डिक छंद है, यानी इनमें चारों में से वार्डिक छंद कौन है, कुंडलिया, उल्लासा, मंदा क्रांता या गीतिका। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मंदा क्रांता है क्या है, वार्डिक छंद है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो वत्सलता, निर्वेद या विस्मय। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का, वात्सल्य रस का, वीर रस का या रौद्र रस का। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो अनुराग है वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि संकर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, समधनकर, संधनकर, संधरकर या सनहधनकर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समधनकर क्या बन जाएगा, संकर बन जाएगा, जो मा है ये ना में परिवर्तित हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहे हैं कि व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है, ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट करा चुकी हूँ कि व्यर्थ में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। यह या यूज हुआ है और या किस में बनता है, इकोयडच यानी जड़ संधि में बनता है, जब ई और आ मिलते हैं तो या बन जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब वी प्लस अर्थ मिलाएंगे तो व्यर्थ बन जाएगा, यानी ये ई और या ये आ मिलकर या बन जाएगा, तो यहाँ आपका व्यर्थ बन जाएगा। तो वी व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है वी प्लस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है,
वो वाक्य कौन सा है? ऑप्शन आपके पास, वह हराम का पैसा खाता है, वो जूते खाता है, वो कसम खाता है, या वो आम खाता है। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। भक्षण मतलब क्या होता है? खाना। और यहाँ वैसा ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो आम खा रहा है, यानी क्या कर रहा है वो, किसी चीज को खा रहा है, तो भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? लोग अक्सर ये यूज करते हैं मुहावरा कि तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यहाँ जो आपका डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि अकाल पीड़ित में समास क्या कौन सा है? कर्मधारय, द्वंद, तत्पुरुष, या बहुव्रीहि? तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कर लीजिए। अकाल पीड़ित का समास विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित, और जो से आपका आता है वो किस में आता है? तत्पुरुष में आता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकाल पीड़ित में समास है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपका या मिल जाए, वा मिल जाए, तो यहाँ आपको यड़ संधि ही हो जाएगी। तो यहाँ देखिए वा है, तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब उ के साथ ए मिलता है तो वा बन जाता है, तो अनु प्लस एषण अन्वेषण बन जाएगा मिलकर। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये किसका उदाहरण? यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणि, पाठशाला, उपचार, या अभिव्यक्ति? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो चक्रपाणि है वो क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि चक्रपाणि चक्र को धारण करने वाला किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, तो यहाँ योग रूढ़ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि गोधूम का तद्भव क्या है, यानी गोधूम क्या है? एक तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास गेहूं, गोबर, गाय, या गोधन? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं होता है। यहाँ ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, यानी इसमें संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि तल्लीन में सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तल प्लस लीन, तद प्लस लीन, तत् प्लस लीन, या तत् प्लस लीन? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि तत् प्लस लीन मिलकर क्या बन जाएंगे? तल्लीन बन जाएंगे। यहाँ जो आपको संधि यूज हुई है वो व्यंजन संधि यूज हुई है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, यानी चारों में से तीन शिव के पर्यायवाची हैं लेकिन एक नहीं है, वही आपको बताना है। महादेव हम शिव को ही कहते हैं, पशुपति भी शिव को कहते हैं, शंकर तो कहते ही कहते हैं, लेकिन चक्रपाणि हम किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की बिहार पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो चक्रपाणि है वो शिव का अर्थ नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कारक के भेद कितने होते हैं? 5, 6, 7, या 8? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है केशव कहीं ना जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? आचार्य केशव दास, सूरदास, तुलसीदास, या रहीम दास? तो अगर आप इस पंक्ति में ही देखिए तो यही राइटर का नेम मेंशन है। तो बोल रहा है केशव कहीं ना जाए का कहिए, तो केशव का नाम आया हुआ है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य केशव दास ने इस पंक्ति के रचना की है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? यानी सूरदास जो है वो उस प्रेमचंद का जो उपन्यास है उनका किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, या रंगभूमि? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास लिखा है उसमें सूरदास एक पात्र है, तो वही आपसे पूछा गया था, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है, इसमें क्या करना है? आपको जस्ट अपोजिट भरना है। जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? भौतिक है, पदार्थवादी है, अनिश्चरवादी है, या विभाजन है? तो आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? भौतिक होता है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ भौतिक भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ेगी, स्वच्छ का
अपोजिट क्या होता है, दूषित। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहे कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डैश प्राप्ति, तो प्रतंत्रता का विलोम क्या होता है, स्वतंत्रता। यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ स्वतंत्रता फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहे कि यथार्थ किस समास का उदाहरण, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्विगु। सबसे पहले इसका समास विग्रह कर लीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा यथा प्लस अर्थ। यथा क्या है, एक अवयव है, और जिसमें अवयव यूज होता है वो क्या बन जाता है, अव्ययीभाव समास बन जाता है। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। फिर आपसे पूछ रहा है कि मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंहतोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला। इससे को ये शब्द किसमें यूज होते हैं, तत्पुरुष में यूज होते हैं, तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास, समास विग्रह कर लीजिए, पाप और पुण्य दोनों क्या है, अपोजिट है, पाप और पुण्य और शब्द का यूज हो रहा है, यह द्वंद्व समास यूज हो जाएगा। अगर ऐसे टाइप के वर्ड आ जाए, माता पिता, पाप और पुण्य, अच्छा भला, तो यहाँ कौन से वर्ड, कौन सा समास यूज होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि दिगंबर में कौन सा, सॉरी दिगंबर में कौन सा समास है, यानी दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, दिगंबर का अर्थ होता है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों ही कंफ्यूजन है। बहुब्री में क्या हो जाएगा कि किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, दिशाओं को, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, ये तीसरे पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है। और कर्मधारय भी हो सकता है क्योंकि यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो दोनों ही यहाँ हो सकते हैं, लेकिन सही जो होगा वो होगा बहुब्री। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रायोरिटी जो हम देंगे वो बहुब्री को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछ रहा है कि सही वर्तनी कौन सी है, तो राइट आप रीड करिए और बताइए कि इसमें जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक या व्यावहारिक। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो व्यवहारिक लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसमें उज्ज्वल का पूछ रहा है, तो उज्ज्वल इस तरह जब लिखा जाता है तो एकदम राइट हो जाता है, यानी आधा जा होता है, फिर पूरा जा होता है, फिर वा और ला यूज होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें उपरयुक्त की बात कर रहे हैं, तो उपरयुक्त, तो इसमें सही ऑप्शन क्या, कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरयुक्त। उपरयुक्त इस तरह नहीं लिखा जाता, और ना ही इस तरह लिखा जाता, और ना ही इस तरह लिखा जाता, ऊपर उपरोक्त लिख सकते हैं, उपरोक्त मतलब भी ऊपर होता है कि जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है आपको, मुहावरों, लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने हैं। तो पहला है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है, खुशी जाहिर करना, खुशी मनाना, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना मतलब बहुत आदर करना, किसी को आप बहुत सिर चढ़ा रहे हैं इसका मतलब बहुत आदर सम्मान कर रहे हैं, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिर चढ़ाना मतलब होता है क्या, बहुत आदर करना। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें सभी लाभ, यानी आप लाभ ही लाभ गेन कर रहे हो, स्टार्टिंग जो वस्तु है उसका तो लाभ गेन कर रहे ही हैं, उसका अगर छोटा पार्ट भी कुछ बचता है तो उससे भी आप प्रॉफिट अर्न करना है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके पास पूछ रहे हैं कि हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 22, 24, 26 या 28, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो हरि गीतिका छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती हैं, यहाँ जो आपका ये डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है, प्रेमचंद को, निराला को, प्रसाद को या दिनकर को, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी माना जाता है, कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि निष्फल किस प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण स्वर संधि, तो निष्फल का संधि विच्छेद करें तो बनेगा निहधन फल, यानी हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, निधन फल, यहाँ विसर्ग यूज हो जाएगा, विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग संधि होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, मूर्धा, तालु या दंतोष, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका जो राइट ऑप्शन है वो कंठ हो जाएगा कि जो कावर के जितने भी होते हैं
और उ आ छोटा बड़ा ये सब कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि आकाशदीप किसकी रचना है, प्रेमचंद की, शंकर प्रसाद की, निराला की या इस्पात की। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी कि जो आकाशदीप है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि अंधायुग किस प्रकार की रचना है, यानी अंधायुग उपन्यास है, काव्य है, या काव्य नाटक है, या नाटक है। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अंधायुग है वो एक काव्य नाटक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कोणार्क नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या मोहन राकेश। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, कोणार्क नाटक के जो रचयिता है वो है जगदीश चंद्र माथुर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनामिका किसका काव्य संग्रह, ये तो बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अनामिका किसका काव्य संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का, यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पे क्रमशः ए औ आए आउ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। तो जब य और व देखने को मिले तो यण संधि हो जाती है, लेकिन या जब आए आए औ आओ मिले वहां आयादि स्वर संधि हो जाती है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, जो पहचान बताई गई है, ये आयादि स्वर संधि की, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, पर्यायवाची बताना है, यानी काले शब्द, यानी जो ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं वर्ड, उनके पर्यायवाची बताना है। तो किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, यानी धरती का पर्यायवाची कौन है, तरणी नहीं है, भार्या भी नहीं है, रजनी भी नहीं है, वसुधा। जी हाँ, वसुधा क्या है, धरती का पर्यायवाची है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नदी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सुरसरी, देवनदी, सरिता या सुरभि। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरिता। हम किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं, तो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा सरिता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, यानी वायु का पर्यायवाची बताना है, अनिल तो आग का होता है, झंझावत, आंधी या चक्रवात, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वायु का जो सॉरी पर्यायवाची होता है वो आंधी होता है, तो सी ऑप्शन सही है। फिर आपको पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, यानी तीन सही सुमेलित है, एक नहीं है, तो वही आपको बताना है। सवर्ण सोना, ये एकदम सही है, सोने को हम सवर्ण कहते हैं। सर सरोवर, ये भी आपका एकदम सही है। सॉरी, क्या पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपको देखना है सूची पवित्र, ये एकदम सही है। सर सरोवर, ये भी एकदम सही है। सर्व उपाध्याय अध्याय, ये भी एकदम सही है, लेकिन सवर्ण सोना ये स्वर्ण होता है ना कि सवर्ण होता है, यही आधा सा यूज होगा, तो यहाँ जो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो सही मैच है लेकिन सी सही मैच नहीं है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं, अदृश्य शत्रु, यानी अदृश्य शत्रु जो सामने से वार ना करे, उसके अर्थ में अनुरूप मुहावरा कौन सा है, मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या आस्तीन का सांप। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, अदृश्य शस्त्र मतलब आस्तीन का सांप, आपका मित्र ही आपका शत्रु बन सकता है, तो आपके बगल में होगा, आपकी अच्छी अच्छी बातें बताएगा, लेकिन क्या है वो, अदृश्य शत्रु, शत्रु भी बन हो सकता है, यानी उसके मन में खोट हो सकता है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि गिराना किस प्रकार की क्रिया है, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया, तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम क्रिया सही हो जाएगा कि गिराना किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछे हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह, दोपहर, सांझ, दिन, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, हम लोग कहते हैं ना दिन चढ़ाया, दिन हो गया है, तो हमेशा हम पुल्लिंग में यूज करते हैं, स्त्रीलिंग में कभी यूज नहीं करते, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीट वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।